सहजन की फलियों की इतनी स्वादिष्ट सब्जी आप भी बनाना चाहेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, nishamadhurima.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ सहजन की फलियों की सब्जी बनाने की एकदम आसान रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सहजन की फलियों को ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। सहजन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसे काटना छीलना सभी को बहुत झंझट का काम लगता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको सहजन को छीलने का और कट करने का एकदम आसान तरीका बताने वाले हैं। आज हम आपके साथ सहजन के फलियों की इंस्टेंट सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। मिनटों में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम सहजन की फलियां ले ली है। इन्हें साफ पानी से धो लिया है। इन्हें अभी हम दो टुकड़ों में कट करेंगे ताकि हमें इन्हें पील करने में आसानी हो। देखिए, इस तरह से हमने दो टुकड़ों में कट कर लिया है। अभी हम सारी फलियों को दो टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए, हमने सारी फलियों को दो टुकड़ों में कट कर लिया है। अभी हम इनका छिलका निकालेंगे। इसके लिए हमें एक पीलर लेना है जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं। इस तरह से इसे पकड़ेंगे एक कोने पर और इसे नीचे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। इस तरह से सारी फलियों को हम फटाफट छील कर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है इसे छीलने का। देखिए, हमने फटाफट एक फली का छिलका उतार लिया है। इसी तरह से बाकी सारी फलियों को छील कर तैयार कर लेंगे। सारी फलियों को हमने फटाफट छील कर तैयार कर लिया है। अभी हम इन्हें छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। हमें इसमें से एक फली उठाना है। जितने लंबे टुकड़ों में आपको कट करना है उतने लंबे टुकड़ों में आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, हमने एक फली के इस तरह से चार टुकड़े किए हैं और ये जो बॉटम है इसे हमें कट कर देना है। कटे हुए टुकड़ों को हम बाउल में डालेंगे और इसी तरह से बाकी की सारी फलियां भी फटाफट कट करके तैयार कर लेंगे। सारी फलियों को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब ये सब्जी बनाने के लिए रेडी है। जैसे कि हमने कहा है कि आज हम इस सब्जी को इंस्टेंट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए इंस्टेंट मसाला तैयार करेंगे। हमने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें रफली चॉप किया हुआ एक प्याज डाल देंगे। इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे रफली चॉप किया हुआ। हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। 6-7 लहसुन की कलियां ली है, इन्हें भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे। साबुत धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया पीसने से भी सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। 2 हरी मिर्च ली है, इन्हें तोड़कर डाल देंगे। अभी हम इसमें 3 हरी इलायची डाल देंगे। इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे हमने अच्छे से पीस लिया है, इसे चेक करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से पीस चुका है, एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। इस सब्जी को आज हम कुकर में बबनाने वाले हैं। इसमें हमने 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डाल देंगे। राई और जीरा अच्छे से चटक चुका है। इसमें अभी हमने जो पेस्ट बना के रखा है ये पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर 7 से 8 मिनट तक हम रोस्ट कर लेंगे, या फिर जब तक ये ग्रेवी साइड से ऑयल ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये ग्रेवी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और साइड से ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो गया है। इसमें अभी हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने अंदाज से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसमें अभी हम सहजन की फलियों को डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि सारा मसाला जो है फलियों पर अच्छे से कोट हो जाए। देखिए, अच्छे से ये कोट हो चुका है मसाला। इसे अभी हम ढककर 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर पका लेंगे ताकि सारे मसालों की टेस्ट फलियों में अच्छे से आ जाए। 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, ढक्कन हटा देंगे। इन्हें एक बार अच्छे से मिला देंगे। देखिए, इस सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें अभी हम पानी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे। आपको जितना थिकनेस अच्छा लगता है सब्जी का आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ 1.5 कप पानी ऐड किया है। जब हम कोई भी सब्जी कुकर में बनाते हैं तो इसमें हमें पानी बहुत कम लगता है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम आंच पर इसकी 1 सीटी ले लेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। 1 सीटी लग चुकी है,
अभी हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है, हम कुकर को खोल लेंगे। देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकी है, फलियाँ भी अच्छे से पकी हैं, ओवर कुक नहीं हुई है। सब्जी बनके रेडी है, इसे अभी हम सर्विंग कढ़ाई में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका और कलर भी बहुत अच्छा आया है। लीजिए बनके तैयार है गर्मा गर्म और टेस्टी सहजन के फलियों की सब्जी। इसे हमने हरे धनिये से गार्निश कर लिया। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है, आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। और आपकी सब्जी कैसे बनी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से स्वादिष्ट रेसिपीज और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। और साथ में जो बेल का बटन दिया है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। आप हमारे वीडियोस को हमारी वेबसाइट nishamadhurima.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।